महावीर विक्रम आरतवती की कंचन भरन कानन कुंड कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूत जने शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग विद्यावान गुणी राम जे करी वे प्रभु चरित सुनी वे राम लखन सी धरि सियहि दिखा भेक्त रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के काज सु लाए सजीवन लखन जी श्री रघुवीर हर्षे रघुपति की ने बहुत बड़ा तुम मम प्रिय है भरत सम सहस बदन तुम रोज अस कही श्रीपति कन संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा यम कुबेर दिगपाल जहांते कवि को विद कह सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव है कि राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र भविषण लंकेश्वर भय सवन जुग सहस्र जो जन परम लियो ताही मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेलि सुखम जल्दी लांग गे अचरज दुर्गम काज जगत के जी सुगम अनुग्रह तुम रे तीत राम दुआरे तुम रखवा ओतना आज्ञा बिनु सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का आपन तेज संवारो तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब जब त निरंतर हनुमन संकट ते हनुमान चुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जोला सपर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप है प्रसिद्ध जगत उजे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नौ ने दिखे दाता अश्वर दीन जानकी राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपत के तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विष अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चित ना धनिए हनुमत से ही सरब सुख संकट कटे मिटे सब भी जो सिमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख जो ज पड़े हनुमान चलीसा वही से दिशा की गौरी तुलसीदास सदा हरि से कीजे नाथ हृदय महानेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनु
बोलो भाई प्रभु पाद की, बोलो भाई बाबा जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री राम चंद्र पालु भजम हरन भव हर नव कंच कंच कर कंच बज कंचारु कंधर्प अगिनत अमित छबिन नील नी सुंदरम पट पीत मानव तड़त रुचि नो मिलन भजू दीन बन नेश दान दत्त वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कन कौश चंद दशरथ नंद सिर मुकट कुंड तिलक चार उधार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंज निवास कामादि खल दल बंज मन जागिराच मिलहि सोभत सहज सुंदर सांबरो करुणा निदान सुजान स्नेह जन्नत राबर एहि भांति गौरी आशीष सहित ही हरिषत अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर सुन जाई कहे मंजुल मंगल मूल माम अंग पर कन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। कथा प्रारंभ होत है सुनिए वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई प्रभुपाद की जय बोलो भाई बाबा जी की जय बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भक्तन। महाराजा दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। अभी प्रसंग आपको पता है राम जी के लिए वनवास मांग रही है कैकेयी माता, भरत के लिए राज्य, तो राजा बेचारे बहुत दुखी हो गए। उनके दुख से हमें भी दुख होता है। बड़े महान थे जिनके घर में भगवान आए, भगवान ने जिनके घर जन्म लिया उनके पुत्र बने। दशरथ महाराज बड़े महान हैं। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। राजा ययाति की कथा भागवत में है। ऐसा लगता था कि पुण्य समाप्त ययाति स्वर्ग से नीचे गिर गए थे। थोड़ी यहाँ भी शिक्षा है, क्षिणे पुणे मृत लोके बसंती, हमारे पुण्य बड़े संचित होंगे तो हम स्वर्ग लोक में जाएंगे। जब संचित पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो स्वर्ग में नहीं जाना हमने, हमने वैकुंठ पे जाना है, भगवान के गौलोक धाम में जाना है। वहाँ जाने के लिए निष्काम भक्ति। तो महाराज जाति नीचे गिर गए थे तो पुण्य खत्म हो गया उनके। उनकी वैसी दिशा देख अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोक कापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी,
पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी। इतनी मतलब विधि का विधान है ना। महाराजा महाराज आप तो डींग मारा करते हैं थे मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम नहीं कर पा रहे, क्यों हजम कर जाना चाहते हैं, नहीं हजम कर जाना चाहते हैं। केकई के ऐसा कहने पर राजा दशरथ दो घड़ी तक व्याकुल की सी अवस्था में रहे, व्याकुल हो गए ठहरे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच तू मेरी शत्रु है, नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। हाय स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे उस समय उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि कहूँ उन्हें वन में भेज दिया तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बात करेंगे कहेंगे उसे कैसे सह सकूंगा। मन में बातें आती नहीं, बातें आ रही महाराज दशरथ की। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है, ककेई का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने राम को मन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूं और इसे सत्य बताऊं तो मेरी वह पहली बात सत्य, मेरी पहली बात असत्य होगी जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया था। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जाएगा, किया जा सकता है। जो शूरवीर विद्वान क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण हैं उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ, जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। भगवान बड़े सुंदर श्याम, नील कमल के समान श्याम उनका रंग था। भुजाएं विशाल और बल महान है उन नैना भी राम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा, जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं है। उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता। ओ पाप पूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदय, पत्थर तेरा दिल है केकई को कह रहे हैं, केकई सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं, तू मुझसे उनका बिछो क्यों करा रही है। अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा। वह तीन पहर वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी तो भी उस समय आर्त होकर
मिलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास ना दे सके। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी में नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है उस निर्दयी और क्रूर ककेई को अब मैं नहीं देखना चाहता। ककेई से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित, गतायु मरणासन, गतायु मतलब मरणासन, और वशिष्ठा राजा है, इसको भेजते सोने के लिए, इसको नींद लगी है, सोने जाओ। नहीं सो रहा था, ऐसे से क्या कर रहा है? हैं, ठीक है, अच्छी तरह बैठो, है हाथ उसे नहीं चलाने जाता। मुझे दशरथ पर कृपा कर सुंदर कटी प्रदेश वाली कई नंदनी, मैंने जो यह श्री राम को रज देने की बात कही है वह किसी सुने घर में नहीं भरी। सभा में घोषित की है, अकेले घर में नहीं कही, मैंने सब में बीच में कही है। अतः बाले, तू बड़ी सुहृद है, इसलिए मुझ पर बलिभांति कृपा कर, जिससे सभा सदों द्वारा मेरा उपहास ना हो। देवी प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय मेरे श्री राम तेरे की दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। स्थूल नितंब वाली देवी, सुमुखी सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था, उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे। दशरथ महाराज रो रो के लाल हो गए आंसू उनके, और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर ककेई ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिय ककेई किसी तरह संतुष्ट ना हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती गई, तो पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुदबुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा। राजा हैं,
दशरथ महाराज मंगल गान हो रहे हैं उनको जगाने के लिए। परंतु उन राजा शिरोमणि ने तत्काल मना ही भेजकर वह सब बंद करा दिया, बंद कर दो, अभी 14वां सर्ग आ रहा है। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे, बहुत दुखी थे बेचारे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिन ककेई इस प्रकार बोली, महाराज आपने मुझे दो बार देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, सन्न होकर, अच्छा शब्द नहीं है तो कई माता इस्तेमाल कर रही हैं, गिर पड़े मानो कोई पाप करके पछता रहा हो। यह क्या बात है, आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। सत्य की प्रण स्वरूप शब्द ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी भेद है और सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि मेरा मांगा हुआ वह बर सफल होना चाहिए क्योंकि आप स्वयं ही उस बर के दाता हैं। धर्म के ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। आर्य यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इससे बड़ा और क्या होगा, प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गई ककेई माता। इस प्रकार ककेई ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। तो दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्धांत हो उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भोपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धीरे धारण करके अपने हृदय को संभाला और ककेई से इस प्रकार कहा, पापिनी मैंने अग्नि के समीप सांग गुष्ट ते ग्रब मृग क्या ग्रबनी ग्रब ग्रब मामी सौभाग्य सौभाग्यात्वाय हरतम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूं, साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग कर रहा हूं। देवी रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक
करने के लिए मुझे शीघ्रता करने की को कहेंगे, उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना। परंतु अपने पुत्र सहित तुम मेरे लिए जलांजलि ना देना। पापचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार ना होगा। मैं पहले श्री राम के राज्य अभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को भी नहीं देख सकूंगा। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात का आ गया। तो प्रभात काल आ गया। तदंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी ककेई रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहां बुलाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए। तभी आप कृतकृत हो सकेंगे। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति ककेई द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग से योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त चला गया, आ पहुंचा, चला नहीं गया। हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम 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 हरे।
राम हरे राम। उधर जब रात बीती प्रभात हुआ, सूर्य देव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रतापूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। उस पुण्य बेला में अयोध्या की सड़क झाड़ बुहार कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतापुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्रों ध्वजाएँ पहरा फहरा रही थीं। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छिड़ीदार राज सेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतापुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांग कर आगे बढ़ गए। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा साथी सुमंत्र को अंतापुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्र से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गुल्लर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा, कन्याएं, मत गजराज, चार घोड़े, बाला रथ, चमचमाता हुआ खड़ग, उत्तम धनुष, मनुष्य द्वारा ढोई जाने वाली सवारी, पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चमर, सोने की झारी, स्वर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे ढील बाला,
श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, चार दाड़ा वाला सिंह, चार दाड़ा वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व सिंहासन, व्याघ्र चर्म, समिधाएं अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य ब्राह्मण, गौ पवित्र, पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गण सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी, ये कथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य, बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तू महाराज से शिक्षा करने के लिए कहीं कहो, जिससे अब सूर्य उदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर ले। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत्र ने राय सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो दशरथ महाराज की। कथा समापत होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जान की, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र राधा पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हर्ष सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कुछ दिनों से मैं थोड़ा परेशान हूँ, और महाराज जी अभी कुछ देर पहले मेरे सपन में प्रभुपाद जी आए, और जब मैं प्रभुपाद जी के पास गया तो मेरा रोना निकल गया। बोलो। फिर प्रभुपाद जी का भी थोड़ा रोना निकल गया, और प्रभुपाद जी ने मुझे गले लगाया, और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। महाराज जी, प्रभुपाद जी जब मुझे गले लगाने लगे तो प्रभुपाद जी ने बोला, हे कृष्ण। महाराज जी, ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों से अच्छे से साधना नहीं हो पा रही है। हरे कृष्ण। क्या नाम बताया इसका? हर्ष जी, आपको प्रभुपाद जी के दर्शन हुए जी, उनकी कृपा है। देखो, साधना कई बार हम बताते हैं अच्छे से नहीं होती, हमारे पाप कर्म बीच में आ जाते हैं, तो हमें बुद्धि का उपयोग करना है, जो केवल मनुष्य शरीर में भगवान ने दी है। पशु पक्षियों को भी बुद्धि है, उनकी बुद्धि सीमित है, खाने सोने इंद्रियों के तर्पण के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो बुद्धि का उपयोग करके देखना है, मन नहीं लग रहा, कोई पाप कर्म आड़े आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, लेकिन बुद्धि से काम लेकर हमें भक्ति में लगे रहना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, और भक्ति में आगे बढ़ना है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ